जाने की इतनी जल्दी में होते हैं और हम इतनी जल्दी में होते हैं कि कई बार ऐसे में हमारा पांव मुड़ जाता है और हमें पैरों में मोच आ जाती है। आपको बताएं तो मोच का दर्द बहुत ही असहनीय होता है। अगर कभी भी आपका ऐसे पैर मुड़ा होगा तो आप बहुत ही अच्छे से इस दर्द से अवगत होंगे। ये दर्द किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या बन सकता है, इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिनकी मदद से इस दर्द में राहत पाई जा सकती है। इस आसान तरीकों से इस मोच को दूर कर सकते हैं आप। चलिए आपको बताते हैं उन तरीकों के बारे में। मोच वाली जगह पर बर्फ की सिकाई करनी चाहिए, इससे उस जगह पर सूजन नहीं आती। दर्द को दूर करने के लिए हर 1-2 घंटे में 20 मिनट की बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। इसके लिए बर्फ को कपड़े में लपेट कर ही सिकाई करनी चाहिए। और अगर आप मोच के स्थान पर तिल के तेल और अफीम को मिलाकर उस जगह की अच्छे से मालिश करते हैं तब भी आपको बहुत ही जल्द इससे आराम मिलता है। वहीं आपको बताएं तो मोच आने पर आप एक गिलास दूध में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर पी लें, इससे आपको बहुत ज्यादा दर्द में राहत मिलेगा। और अगर आप मोच वाले स्थान पर शहद और चूने दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर मालिश करते हैं तो इससे भी आपको आराम मिलता है। और अगर मोच आने पर आपके आसपास कोई तुलसी का पौधा हो तो तुरंत तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना के मोच पर लगाएं। तुलसी की पत्तियां बहुत ही औषधीय होती हैं, इसे आप तुरंत ही चमत्कार देख पाएंगे। तो ये कुछ उपाय हमने मोच की समस्या के लिए आपको बताएं। तो अब जब कभी भी आपको मोच आए या आपके आसपास किसी के पांव मुड़ जाए तो इस जानकारी को उनके साथ भी जरूर साझा करें। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।